हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे वॉल पेनों के बारे में। वॉल पेनों जो है वो एक इंसान होता है और बहुत रिच होता है, उसके बाद बहुत पैसा होता है, ओल्ड मैन होता है वो, और वो ओल्ड मैन होता है, मरने वाला होता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा होता है और उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, ना उसका कोई बेटा, ना वाइफ, ना मॉम डैड, कोई नहीं होता। तो उसके तीन फ्रेंड होते हैं, एक होता है वॉल्टर, कार्बिको और कार्विनो, ये उसके फ्रेंड होते हैं। तो वो उन तीनों को ये बोलता है कि जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। और उसके वो सर्वेंट होता है, उसका नाम होता है मॉस्को उसका नाम होता है। तो मॉस्को और वॉलपेनो मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हम सबको ये बोलते हैं कि अब वॉलपेनो मरने वाला है। वॉलपेनो अपने सर्वेंट को बोलता है कि तुम सब, अब मेरे जो तीन फ्रेंड हैं उन तीनों में ये खबर फैला दो कि अब मैं मरने वाला हूँ और अपनी जायदाद किसी भी एक के नाम करूँगा। तो वो ये खबर सब में फैला देती है और जो उसके दोस्त होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब ये मरने वाला है तो ये अपनी जायदाद किसी के नाम तो करेगा ही, तो वो उसको खुश करने लगते हैं। वो तीनों उसके लिए एक बहुत महंगे महंगे वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं। जो उसका पहला फ्रेंड होता है वॉल्टर, वो उसके लिए इतनी एक्सपेंसिव एक प्लेट लेके आता है जो पूरी हीरे गोल्ड से पूरी बहुत महंगी और एक्सपेंसिव होती है, वो लेके आता है। और जब वो चला जाता है उसको वो प्राइस देके, तब कार्बिको वहाँ पे आता है और वो भी उसको बहुत मतलब उसको दिलासा देता है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, ताकि जो वॉल पेनो है वो अपनी जायदाद उसके नाम कर दे। और जब वो वहाँ से चला जाता है तो फिर उसका तीसरा फ्रेंड रहता है कार्विनो, उसके पास आता है और वो बैग से एक बैग लाता है पैसों से भरा हुआ, और वो मॉस्को को देता है इसलिए एज अ रिश्वत कि वो अपने जो वॉल पेनो है, वॉलपेनो जो उसका मालिक है, जो मॉस्को का मालिक है वॉलपेनो, वो मॉस्पेनो वॉलपेनो को ये बोले कि मैं ही उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ और वो ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। तो मॉस्को बोलते हैं ठीक है, तुम ये बैग मुझे दे दो और मैं वॉलपेनो को कन्वर्स करूँगी कि वो तुम्हें ही अपनी सारी जायदाद दे, और वो पैसे ले लेते हैं। लेकिन वॉलपेनो और मॉस्को दोनों ही इस प्लान में मिले हुए होते हैं। तभी क्या होती है कि वो दोनों बहुत खुश होते हैं अपने प्लान पे कि सब लोग को हम पागल बना रहे हैं और हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, वो बहुत खुश होते हैं। तभी जो वॉलपेनो है उसके माइंड में सीलिया होती है, वो कार्विनो की वाइफ होती है, जो उसके लिए बैग पैसों से भरा बैग लेके आया होता है ना, वो उसकी वाइफ होती है। तो जो वॉलपेनो होता है एकदम से उसको उसकी वाइफ की याद आ जाती है और वो ये बोलता है कि मॉस्को को ये बोलता है कि तुम जाके किसी भी तरह उसकी वाइफ को मेरे पास लेकर आओ। तो जो मॉस्को होता है वो बोलता है ठीक है, वो जाता है उसकी वाइफ को बुलाने। वो ये बोलता है कि वॉलपेनो अब मरने वाला है और उसको डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को देखे, जिससे कि वो अच्छा फील करेगा, वो अच्छा हो भी सकता है कि वो अच्छा भी हो जाए। तो तुम चलो और वॉलपेनो से मिल लो और वॉलपेनो को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी वाइफ बोलती है कि मैं ही क्यों, और भी तो हैं, और लोगों को देख लो, शायद वो चले जाए, मैं नहीं जाऊँगी, वो मना कर देती है। लेकिन जो कार्विनो होता है वॉलपेनो का फ्रेंड, वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो मरने वाला है और हो सकता है कि वो जायदाद हमारे नाम कर दे। वो जब अपनी वाइफ को फोर्स करता है सीलिया को, तो सीलिया उससे मिलने के लिए जाती है। ये सारी बातें जो उनका बेटा होता है वो उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और उसका नाम होता है बुनारियो ये सारी बातें सुन लेता है। और वो अपनी मम्मी से पहले ही, जब उस जो सीलिया होती है उसकी मॉम होती है, उससे पहले ही जाके वॉलपेनो के रूम में छिप जाता है कि मैं भी देखूं कि जब मेरी मॉम यहाँ पे आती है तो वॉलपेनो कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो जब उसकी माँ वहाँ पे जाती है, सीलिया जब वहाँ पे जाती है, तो जो वॉलपेनो है वो उसको अपने बेडरूम में खींच के ले जाता है और उसके ऊपर जंप करता है, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है और सीलिया चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ। तभी जो उसका बेटा होता है वो निकल के सीलिया को बचाता है, अपनी माँ को बचाता है, और वो दोनों वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं तभी सीलिया का वाइफ कार्विनो, जो कि वॉलपेनो का फ्रेंड होता है, वो वहाँ पे आता है अपनी वाइफ को वापस ले जाने के लिए। तो तभी जो मॉस्को होता है, जो वॉलपेनो का सर्वेंट होता है, वो उसको ये बोल देता है कि तुम्हारी वाइफ और बेटे ने वॉलपेनो को मारने की कोशिश करी और अब वो तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए तुम उनसे दूर ही रहना और तुम कहीं और चले जाओ वरना वो तुम्हें मार देंगे। तभी जाके जो सीलिया और जो उसका बेटा होता है वो केस कर देते हैं वॉलपेनो के ऊपर। सभी को कोर्ट में बुलाया जाता है, सब कोर्ट में जाते हैं और जज को सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। तो जज होता है वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि
जो इतना ओल्ड मैन है, वॉल पेन जो इतना ओल्ड मैन है, वो सीलिया के ऊपर जंप किया और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, वो इस बात का बिलीव नहीं करते और सीलिया और उसके बेटे को दोनों को जेल में डाल देते हैं, उन दोनों को सजा हो जाती है। जब उनको सजा हो जाती है तो वॉल पेनों को ऐसा लगता है कि उससे कुछ गलत हो गया है और वो जाके अपनी सारी गलती वहाँ पे कबूल कर लेता है, उसको सजा हो जाती है और सीलिया और उसका बेटा छूट जाते हैं। थैंक यू टू ऑल लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू।